वर्तमान में कायस्थ जाति काफी शिक्षित तथा सुसंस्कृत मानी जाती है और हिंदू समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन इस समाज का उत्थान नहीं हो रहा है। समाज की एकजुटता पर जोर देने के लिए विश्व कायस्थ महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां समाज से जुड़े लोगों ने कायस्थ समाज को सामाजिक उत्थान के साथ साथ हर क्षेत्र में एक अहम दर्जा देने की आवाज उठाई। सम्मेलन का लक्ष्य कायस्थ समाज के लोगों का सामाजिक उत्थान करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइफ। मैं हूं आपके साथ सुमन मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं विश्व कायस्थ सम्मेलन में, जहां के प्रेसिडेंट जो है राजीव रंजन प्रसाद जी। आइए उनसे हम सीधे बात करेंगे कि इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है और आगे जाकर ये सम्मेलन कहाँ तक पहुँचाने का उनका मेन उद्देश्य है, उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार। देखिए, ये विश्व कायस्थ महासम्मेलन का उद्देश्य पूरी दुनिया में फैले कायस्थ परिवार के जो हमारे सदस्य हैं उनके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लोगों को एकजुट करना। 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दुनिया के अनेक मुल्कों के लोग आ रहे हैं। इस देश के 22 राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित होंगे और मुझे विश्वास है जो सिस्टम के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, बड़े जो समूह हैं, उन समूहों के लिए ये एक बड़ा सकारात्मक संदेश होगा कि जिस समाज ने अपने 5000 वर्षों के इतिहास में देश की हर तरह से सेवा की है, हर कालखंड में देश का मस्तक ऊंचा किया है, उसके साथ जो एक अस्पृश्यता का भाव है, छुआछूत का भाव है, राजनीतिक हिस्सेदारी जिस तरह से हमारी घटी है, ये नज़रिया कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने वाला है। और इसीलिए इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, उन सबों को पहल करने का दबाव बनाने के लिए हम लोगों ने इस अभियान का आयोजन किया है। अच्छा, ये जो आपका अभियान है इस सम्मेलन के जरिए आप विश्व भर में प्रचलित होना चाहते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? कि आप एक जाति विशेष वर्ग को आगे ले जाना चाहते हैं, ये आपका उद्देश्य है या कुछ और? देखिए, ये जाति का सवाल नहीं है। सबसे पहले तो ये भगवान चित्रगुप्त के 12 पुत्रों की संतानें हैं, तो ये एक परिवार का है। और जहाँ तक इस परिवार की योग्यता है, जो निष्ठा है, जो भूमिका है, उसका अगर निष्पक्ष आकलन आप करेंगे तो कभी आपको हमारे विभूतियों की वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने देश को भी मजबूत बनाया, लोकतंत्र की जड़ों को सींचने का काम किया है। आज अगर इस जाति की हिस्सेदारी घटी है तो कहीं ना कहीं संक्रमण की स्थिति से देश गुजर रहा है। अगर हम शक्तिशाली हुए तो देश को भी ताकत मिलेगी। कायस्थ समाज का 19 दिसंबर को नई दिल्ली में महासम्मेलन होने वाला है। महासम्मेलन में शामिल होने के लिए कायस्थ समाज के हर वर्ग के लोगों को शामिल होने का आह्वान किया गया। पुराने उन्हें कायस्थ एवं महिष्य समाज के लिए एक सम्मेलन बुलाया बंगाल में, उसके बाद कोई ऐसा सम्मेलन हुआ नहीं। आज पहला हुआ ऐतिहासिक भारत सभा हॉल में। तो हम लोग क्या है, कोई जो हमारा कायस्थ समाज है, जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसा, तो हम लोग कोई हमारा समाज के लिए, हमारा जाति के लिए कुछ नहीं किया, हमारा देश के लिए किया। और जैसा स्वामी विवेकानंद जी पूरा वर्ल्ड के लिए, तो हम लोग तो बनाया जो ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस, लेकिन हम लोग काम देखिए, आज यहाँ जो आया पिछड़े वर्ग आया, तपसिली जाति आया, यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी भी आया, उन सबको लोग हम संबोधित किया। हमारा भारत देश विभिन्न जाति और धर्म को संबोधित करता है, ऐसे में कायस्थ वर्ग जो है वो एक महासम्मेलन के जरिए इस कायस्थ समाज को आगे बढ़ाने को लेकर है। यहाँ शिक्षा, प्रशिक्षा और स्वास्थ्य, हर चीज़ से रिलेटेड संबंधी सुविधाएं ऐसे वर्ग को देने का इनका मुख्य उद्देश्य है। कैमरामैन जय के साथ सुमन मिश्रा, भारत मित्र लाइव, कोलकाता।